ये मासूम चेहरा देख रहे हो, ये कहां से परेशान करेगा किसी को। मम्मी झूठ बोल रही है। थोड़ा जल्दी निकल आया था ना ऑफिस से, तो अभी मैं आ गया हूँ गोमती नदी पुल पे। और भाई यहाँ का नजारा देख के थोड़ा सा डर लग रहा है। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर चैनल प्रिया सुशील वर्मा ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए फिर एक नए दिन की शुरुआत करते हैं एक नए वीडियो के साथ। तो गाइस फिलहाल अभी हम नहा धो के भाई बिल्कुल रेडी हो गए हैं और निकलने वाले हैं ऑफिस के लिए। और बीबी ने भाई तगड़ा नाश्ता, चाय पानी और खाना बना के इधर रख दिया है भाई। हमने सोचा ब्लॉग को इंट्रो कर लेते हैं, उसके बाद दिन की शुरुआत करते हैं और मतलब खाने पीने की शुरुआत करते हैं। कहते हैं ना, पहले काम पूजा सुबह खाना दूजा, मेरे साथ तो ये सीन है। और गाइस आज गर्मी इतनी ज्यादा हो रही भाई ना, तो बाहर इतनी चिल वाली धूप, मतलब जैसे कहते हैं ना मस्त धूप निकलने, ठंडी जैसे निकलती है ना वो वाली नहीं, गर्मी में जैसे निकलती है वो वाली। भाई नहा के आया हूँ और मैं पूरा भीग गया हूँ और इसी कपड़े में वापिस जाना पड़ेगा, पर क्या करूँ भाई। चलते हैं खाना पीना खा लेते हैं। और बीबी ने खाना बना के इधर रख दिया है, चाय पानी सारी व्यवस्था। और सीबी एक बार सो के उठ चुकी है और मेरे यहाँ पे आप देख रहे हो रेड रेड सर लड़ा दिया भाई, मेरे सर अपना सर मेरे मुंह में लड़ा दिया तो कट गया सुबह सुबह भाई, दिक्कत हो गई है। बट कोई बात नहीं, छोटा बच्चा है, शैतानी तो करेगा ही यार अभी, और दोबारा सो गया शैतानी करके। चलते हैं भाई नाश्ता करते हैं, निकलते हैं ऑफिस के लिए। और आज है गाइस सोमवार और आज है प्रिया का फास्ट, नहा धो के ये भी रेडी हो गई है। और मेरा खाना भाई अलग से बनाया है, अपना खाना अलग से बनाएंगे भाई। कितना मेहनत करना पड़ता है यार, है ना। पति को सुबह सुबह ऑफिस जाना रहता है, काश संडे होता। सो गाइस अभी मैं अपने लिए जा रही हूँ बनाने मूंगफली के दाने और चाय। हस्बैंड ऑफिस चले गए, ये देखिए यहाँ पर मेरी मूंगफली भुन रही है और ये रही मेरी चाय जो कि पक रही है। भाई सुबह सुबह ना चार मूंगफली खा लो तो थोड़ी सी बॉडी में एनर्जी आ जाती है, जिससे थोड़ा सा पुश मिल जाता है कि चलिए आगे का काम किया जाए। और आगे मैं सोच रही हूँ ना आज आलू और लौकी की सब्जी बना लेते हैं जो व्रत में खाई जाती है। आई होप अच्छी बन जाए, क्योंकि व्रत का खाना मैं ज्यादा अच्छा बना नहीं पाती हूँ। तो आलू लौकी सोच रही हूँ बनाने के लिए, तो देखते हैं कैसे बनती है। शिवी की मैंने तेल मालिश करके उन्हें सुला दिया है। चलिए मैं फटाफट से बना लेती हूँ, फिर नाश्ता कर लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। तो गाइस फाइनली ऑफिस का टाइम खत्म हुआ और बज गए हैं 6:30। अभी 4 मिनट बाकी है छुट्टी होने, मतलब ऑफिस की भाई। तो थोड़ा सा 4 मिनट और वेट करते हैं, तब बोतल में पानी भर लेते हैं, चार्जर निकाल लेते हैं। फाइनली चार्जर यार प्लग में ही लगा रहता है, क्योंकि क्या है ना कभी कभी जब चार्जर भूल जाता हूँ भाई ना, तो प्रिया के चार्जर से मोबाइल चार्ज करना पड़ता है। तो एक टाइम में 2 मोबाइल चार्ज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि वीडियो भी एडिट करनी होती है, वीडियो शूट भी करना होता है, भाई कभी कभी दिक्कतें तो आती हैं यार। भाई अभी हो गया रेड लाइट यार, वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा। थोड़ा जल्दी निकल आया था ना ऑफिस से, तो अभी मैं आ गया हूँ गोमती नदी पुल पे। और भाई यहाँ का नज़ारा देख के थोड़ा सा डर लग रहा है, मतलब अजीब तक ना, जब ट्रक जा रहा है ना तो पुल हिल रहा है। और गोमती नदी देख के ना मतलब इतना गंदा कर दिया भाई, पूछो मत यार। आपको दिखाते हैं, और इतना गंदा कर दिया है, सारा कीचड़ उधर से आता है। A few moments later. तो गाइस फाइनली घर आ गए हैं भाई, और घर आते ही सबसे पहले मैं मस्त जाके नहाया हूँ, क्योंकि बाहर इतनी उमस वाली गर्मी हो रही है ना कि पूछो मत भाई। बस यही होता है जल्दी से घर पहुँचो और बस एकदम ठंडा ठंडा बाथरूम में जाके नहा लो और आप थोड़ा सा रिलैक्स भी करो। मैं होता नहीं है एकदम नहा लो तुम ताजगी आ जाती है वो वाली। और गाइस आज ना शाम का खाना मेरे को खुद बनाना पड़ेगा, क्योंकि प्रिया का है फास्ट और देखते हैं प्रिया के लिए क्या बनाना है। तो मैं ज़्यादा काम नहीं करवाना चाहता आज, खाने में बनाने वाला कुछ स्पेशल अपने लिए और साथ में प्रिया के लिए भी कुछ, देखते हैं क्या बनना है, बना देंगे वो भी। और इधर देखिए आतंक मचा रखा है प्रिया ने, प्रिया ने नहीं प्रिया के बच्चे ने, क्योंकि जो टेडी बियर भी फट गया था ना उसको भी सिलना था, शायद सिल दिया है प्रिया ने, तो इसको भी हमें सेट करना है। पीछे फटा था ना इसको सिल दिया है और इसको भी टांगना है। और सिवी जहाँ भी लेटती है भाई सारे कपड़े को गंदा कर देती है। और ये शैतान बच्चा देखो इधर मम्मी को परेशान कर रहा है। सिवी सिवी तुमने आतंक मचा रखा है उस रूम में, है ना, क्या देख रहे हो बच्चा? टाइम देख सिवी, टाइम मैं लेट हो गया, 9:30 बज रहे हैं सिवी, पापा लेट हो गए। हाँ मम्मा का व्रत है, दोनों लोग मिलके परेशान कर रहे हैं मम्मा को। क्या हुआ तुमको? अरे बहुत परेशान करिए आप, जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं ना वैसे वैसे भाई। ये मासूम चेहरा देख रहे हो, ये कहाँ से परेशान करेगा किसी को। मम्मी झूठ बोल रही है ना सभी।
अच्छा एक काम करेंगे, आप अपना खाना बना लीजिए, तक मैं इनको पकड़ी हूँ, अगर सो जाएंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आप लीजिएगा तो मैं अपना बना। सिबी आओ हम पकड़ लें तुम्हें, सिबी आओ हम ले लें बेबी को खिला ले। फिर अपना बनाना पड़ेगा ना, मेरा फास्ट है आज। क्या बनाएंगे वैसे? आज मैं बनाने वाला हूँ कुछ स्पेशल अपने लिए, क्योंकि तुम्हारा फास्ट है, तुम भी कुछ चटपटा ही खाओगे तो हम अपने लिए भी कुछ स्पेशल बनाएंगे, और तुम्हें आज सिर्फ लालच आएगी कि तुम फास्ट क्यों हो, है ना सिर्फ? क्या जा रहे हैं बनाने? अब देखते हैं क्या बनाते हैं। पूरी सब्जी? नहीं तो ठीक है, चलते फटाफट भाई खाना बना लेते हैं, उसके बाद बेबी को हम संभालेंगे, उसके बाद भी अपना खाना बनाएंगी, या तो हम दोनों बना देंगे, देखते हैं क्या होता है। तो गाइस फाइनली मैं आ गया हूँ किचन में, और अपने लिए बना रहा हूँ भाई मटर पनीर की मस्त सब्जी, और हमने थोड़ी सी ज्यादा बना ली है ताकि सुबह प्रिया भी खा ले, और प्रिया को तो पसंद आती नहीं है। सुन लेंगे तो चिल्लाएंगे, और बस गाइस यही कहना चाह रहा हूँ, और अपने लिए बना रहा हूँ, अभी प्रिया के लिए चलने पे बनाएंगे, इनके लिए चाय, मूंगफली और साबुनदानी की जो खिचड़ी उड़ी बनती है उसको भी बनाना है, और गर्मी इतनी ज्यादा लग रही है किचन में आने के बाद कि हाँ भाई काम करना थोड़ा सा टफ होता है, बट क्या करें, आज रेस्ट डे है प्रिया का, क्योंकि आज फास्ट है तो जानती हैं आप लोग। और भाई जो मटर पनीर की सब्जी है ना भाई, एकदम स्पाइसी कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, कड़वा कहते हैं यार, तीखा जिसे कहते हैं। तो फिलहाल आज ये खाने वाले हैं, और थोड़ा सा देखते हैं सुबह प्रिया को पसंद आता है कि नहीं, हमेशा बुरा ही होती है। अभी मैंने जब बोला ना कि प्रिया को पसंद तो आती नहीं, अभी जब मैंने बोला ना कि प्रिया को पसंद तो आएगी नहीं, तो बहुत जोर से रूम में हंसी है। तो ठीक है बना लेते हैं भाई। और हे गाइस, तो मेरा खाना पीना हो गया है, मेरे लिए हस्बैंड ने आलू बनाए थे, और साथ ही साथ में रायता बनाया था खीरे का, तो उसको मैंने खाया है, और सक्सेसफुली मेरा आज का व्रत कंप्लीट हो गया है। और कौन कौन व्रत था मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा गाइस। और आज पता है मैंने ये गुड्डे को भी सिल दिया, जो ये फटा हुआ था ना इसकी गर्दन, इसकी मैंने सर्जरी कर दी है, और अभी शिवी के पापा शिवी को सुला रहे हैं। तो गाइस आज की वीडियो यहीं पर करते हैं एंड, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो पर एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गाइस हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, प्यार बांटते रहें, बाय।